Next question is question second. What is the TPP agreement? How is it significant for the Indian economy? Okay. So first, please explain what is TPP. Trans-Pacific Partnership की बात हो रही है अभी जो recently एक agreement conclude हुआ है तो New Zealand में ये agreement हुआ था तो इसके अंदर ज़्यादातर ऐसी countries हैं जिनके पास already बड़े अच्छे trade relations हैं export में well qualified हैं India इसका part नहीं है. India is not a part of TPP. India is not a part of TPP. So why, sir? Even China is not a part of TPP for that matter. Because the ज़्यादातर developed countries ने अपने हिसाब से इसको बनाया और जिन countries में quantitative और qualitative restrictions for trade दोनों बहुत अच्छे से follow up हो रहे हैं और standardization है उन्हीं countries को ज़्यादातर TPP में preference मिला जो इसमें participants हैं. We want to be a part but we are not yet in there. अच्छा, sir, I read somewhere that US has deliberately created this regional trade group to keep India out of because India has been stonewalling US efforts of bringing new issues in WTO. Yeah. And India says that unless US agrees to certain Doha US will not give access to India on certain issues of public stockholding of food grains. Okay. NAMA. Okay. So US has deliberately kept India outside of this regional agreement. Okay. Basically, multilateral agreements हमेशा एक तरह का pressure syndrome create करने के लिए तो होते हैं developed versus developing वाला है ना वो तो हमेशा इसमें tussle चलता रहता है. इंडिया ने भी बहुत सारा ground yield किया है already WTO meetings के अंदर जैसे Nairobi meet अभी हुआ था है ना. तो इन मीटिंग्स के अंदर हम देख रहे हैं कि वी आर नॉट स्टैंडिंग एज एट पार यू नो विद रिस्पेक्ट टू लेबर इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट ई कॉमर्स कॉम्पिटिशन गवर्नेंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यू नो इन सब चीजों के ऊपर इंडिया को पिछाड़ते रहते हैं है ना. डॉक्टर कभी भी शायद हमें कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ध्यान क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट क्या है क्योंकि हाउ इज इट सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया. यस यस तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए क्लियरली. सर आई फील दैट विद टीपीपी India would lose certain volume of its trade because Asia nation India as per India's look act east policy India wants to diversify its trade with ASEAN but ASEAN is a part of TPP so their trade will get diverted towards TPP nations. So I feel that the significance of this agreement needs to be debated in this on these lines. Okay. और सबसे आई थिंक एक और आईपीआर का इशू भी हम पिक कर सकते हैं जो पेटेंट राइट्स हैं. बिल्कुल. तो वो इंडिया के लिए शायद नेगेटिव जाएंगे बिकॉज़ इसमें ज्यादातर ऐसे पेटेंट राइट्स अभी वो प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं जो डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स के अंदर भी नहीं है तो टीपीपी के थ्रू उनकी प्रमोशन कर रहे हैं. और इसमें ज्यादातर ऐसी मेंबर कंट्रीज हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूएस मेक्सिको which are you know already at par with those kind of patent regimes and we are not having that kind of standardization in India yet. शायद इसमें एक और कॉन्टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं कि क्या फ्यूचर में जैसे सर ने कहा कि टीपीपी के अंदर इंडिया है नहीं तो क्या अगर इंडिया टीपीपी के अंदर ऐड होता है तो वो क्या इंडियन इकोनॉमी को फर्दर और बेटर करेगा कि और उसके लिए और कॉम्पिटिटिव बनाएगा. कॉम्पिटिशन तो हमेशा हर इकोनॉमी के लिए अच्छा ही रहा है तो उसके थ्रू तो हमेशा ग्रोथ होता है मेरे ख्याल से. तो जैसे हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जब तक रिजर्वेशन था इसके लिए हम पर्टिकुलर आइटम्स रिजर्व करके रखते थे ओपन अप नहीं किया था कॉम्पिटिशन को तो इसने भी कुछ खास ग्रोथ नहीं किया. अभी जब से डी रिजर्वेशन हुआ है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर तो इसने भी बहुत ग्रोथ किया है ना. तो फॉर एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक सेटअप ग्रोथ इज गुड एंड कंपटीशन इज ऑलवेज फैसिलिटेटिंग दिस काइंड ऑफ. सर देयर इज वन मोर क्वेश्चन. दिस रीजनल एग्रीमेंट टीपीपी इट माइट लीड टू ट्रेड डाइवर्जन रादर देन ट्रेड क्रिएशन. इट कैन ऑलवेज बिकॉज़ यू नो टीपीपी के अंदर क्या होगा कि कुछ हम अपनी मार्केट्स भी लूज करेंगे क्योंकि वो अब अपने आप में इंटरडिपेंडेंसी उनकी ज्यादा हो जाएगी और हमारा जो एक एक्सपोर्ट मार्केट था वो भी लूज होगा. ओके सो सर व्हाट डज व्हाट शुड इंडिया डू टू अवॉइड द इल इफेक्ट्स ऑफ टीपीपी. सर मेरे को लगता है कि हमें ना बहुत ज्यादा अगले के घर में नहीं देखना चाहिए कि वो कैसे बेटर परफॉर्म कर रहा है. कुछ अपनी भी कोर स्ट्रेंथ्स हैं उसी के ऊपर ज्यादा बिल्डअप करना चाहिए है ना. जैसे कि हमारे जो रीजनल एग्रीमेंट्स हैं वो बेटर कर ले हम जो हमारे नेबर्स के साथ ट्रेड है वो बेटर कर ले हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया के अंदर ही बेटर कर ले हम क्योंकि आज भी इंडिया की ज्यादातर डिमांड इंटरनल है ना. एक्सटर्नल डिमांड आज भी कम है
तो अगर हमें अभी समअप करना हो सिग्निफिकेंस को तो कैसे समअप करेंगे कुछ चार पांच लाइन्स? इट इज अ मेजर चैलेंज यस, बट इन द फेस ऑफ दिस चैलेंज इंडिया शुड ट्राई टू इम्प्रूव इट्स ओन स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज इम्बैलेंसेस एंड ऑल दिस and see to become any kind of superpower if it is so dreaming to be then I guess industrial sector also needs to be built in India. Some kind of branding has to be there. If you want to sell your things at a higher value you need more brands, and industrial brands need to be built in India. That is one way forward. Second, regional aspect jo hamare economic tie ups hain wo unko strong kar lo. To multilateral aspect mein aapka already agar aap koi supplier acche ho to har koi aapse khareedna chahega. Right. All right.